सिकंदरा के रुनकता से छात्रा को लेकर गए समुदाय विशेष के जिम संचालक के दोनों घर में शुक्रवार की सुबह आक्रोशित लोगों ने लगा दी आग। जिम संचालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से आक्रोश है लोगों में। पुलिस ने छात्रा को बुधवार रात को दिल्ली से कर लिया बरामद। पुलिस के हाथ नहीं आया था आरोपी जिम संचालक। छात्रा का वीडियो बुधवार को इंटरनेट मीडिया में हुआ था वायरल। थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये करीब चार दिन पहले एक बालिग लड़की एक लड़के के साथ चली गई थी और दोनों बालिग थे। ये दोनों अपोजिट संप्रदाय के थे। लड़की पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अभी कोर्ट ना खुलने के कारण बंद होने के कारण छुट्टी होने के कारण उनका अभी बयान नहीं हो पाया था। इस बीच ये यहाँ के कुछ धर्म जागरण समन्वय संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने जिस लड़के के जो लड़का लड़की लेके गया था उसके घर में आग लगाई है। मैं मौके पर हूँ, आग बुझा दी गई है। यहाँ पर पूर्णतः शांति है और कोई ऐसी बात नहीं है। FIR रजिस्टर की जा रही है और बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकिंग चार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ